हाँ जी, कौन बच्चा बताएगा क्या होती है सबस्पेस? सर जो खुद भी एक वेक्टर स्पेस हो। बिल्कुल, बस बात खत्म हो गई, ठीक है ना। तो हम W को, W एक सबसेट है किसका? V का। तो W को हम सबस्पेस कब कहेंगे? ठीक है, W को सबस्पेस तब कहेंगे अगर W इटसेल्फ एक वेक्टर स्पेस बना दे। ठीक है, तो जो कंडीशन इसके ऊपर होल्ड कर रही है वही अगर W के ऊपर भी होल्ड करती है तो W क्या बन जाएगी? सबस्पेस बन जाएगी। किसके लिए? V के लिए। ठीक होगी ना बात? तो ये मैंने सारी स्टोरी वैसे लिखी। तो अब इसकी चले मैं प्रॉपर डेफिनेशन लिख देता हूं सबस्पेस की। अ नॉन एम्प्टी सबसेट डब्ल्यू ऑफ अ वेक्टर स्पेस V of a vector space V is called a subspace of V if W itself is a वेक्टर स्पेस अंडर द सेम ऑपरेशंस ऑफ एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, एज इन वी, जो ऑपरेशन हमारे पास किस में थे? वी में थे। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? ये आपके पास क्या बन जाएगी? डब्ल्यू क्या बन जाएगी? आपके पास एक सबस्पेस बन जाएगी। ठीक है ना। अच्छा, अब देखें, ये तो बात क्लियर होगी कि ये वी कोई स्पेस थी, वेक्टर स्पेस थी। और W इसका सबसेट था, तो W सब स्पेस होगी इफ इफ ऑल द 10 एक्सियम्स, और हम ये भी कह सकते हैं इफ W इटसेल्फ इज अ वेक्टर स्पेस। ठीक होगी ना बात? अगर तो क्या हो, W इटसेल्फ वेक्टर स्पेस हो जाए, या फिर क्या हो, इफ ऑल द 10 एक्सियम्स होल्ड्स। ठीक है ना, तो हम क्या कहेंगे? W क्या है? सबस्पेस। अच्छा, अब मैं कहता हूं कि ये तो बात खत्म हो गई, मैं एक सेट लिखता हूं। फॉर एग्जांपल, ये V एक वेक्टर स्पेस है, ठीक है, और इस इसमें एक सेट चूज करता हूं, नल सेट। नल सेट नहीं बल्कि ऐसा सेट जिसमें जीरो एलिमेंट आ रहा है, क्या ये वी का सबसेट है या नहीं? और सिमिलरली, क्या हर सेट अपने सेट का सबसेट होता है या नहीं होता? आपने ये पढ़ा हुआ है, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, नहीं, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, तो और जीरो भी उसका सबसेट होता है। अब यहां से जाके एक डेफिनेशन आती है, ठीक है, वो क्या है डेफिनेशन, वो भी देख ले। द जीरो वेक्टर अलोन फॉर्म्स सबस्पेस
denoted by null vector, ये zero vector, and called zero subspace. ऐसा सबसेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट आ रहा हो जिसमें जीरो हो सर जस्ट, ठीक है, तो ऐसी सबस्पेस को हम क्या कहते हैं, जीरो सबस्पेस ऑफ एवरी वेक्टर स्पेस वी, ठीक है। नहीं, और इसमें एक और भी चीज आती है, नोट द टू सबस्पेसेस जीरो एंड वी, वी भी एक सबस्पेस ही बनती है, हर सेट अपने सेट का सबसेट होता है, तो वो अगर वेक्टर स्पेस है तो वो सबस्पेस भी होगी, ठीक है। आर कॉल्ड इम्प्रॉपर सबस्पेस, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर सबस्पेस, ऑल्सो कॉल्ड ट्रिवियल स्पेस, ठीक है। नहीं, इसको हम क्या कहते हैं, नल जिसमें एक जीरो वेक्टर आ रहा हो और या पूरे का पूरा वी वेक्टर आ रहा हो, तो इसको हम इम्प्रॉपर सबस्पेस भी कहते हैं या ट्रिवियल स्पेस भी कहते हैं, ठीक है। एंड All the other spaces are called proper spaces. ठीक है, इस चीज को आपने याद रखना है। अच्छा, आगे हम चलते हैं। देखें, ये आपके पास V कोई भी वेक्टर स्पेस थी और W इसका कोई भी सबसेट है, ठीक है। W को हमने क्या शो करना है कि ये क्या है, ये सबस्पेस बना रही है, तो हमने क्या कहा था, इसके लिए 10 कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। तो आप में से कोई ये, कोई बच्चा ये बताएगा कि अगर W इसका सबसेट है, ठीक है, तो कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है, कौन सी 10 प्रॉपर्टीज में से ऐसी प्रॉपर्टीज हैं, एक या दो, जो इस सेट की स्ट्रेंथ बताती है। स्ट्रेंथ का मतलब है कि अगर उसको मल्टीप्लाई या ऐड किया जाए तो इस डोमेन से बाहर ना जाए। 10 प्रॉपर्टीज में से कौन सी ऐसी दो प्रॉपर्टीज, वेक्टर स्पेस की W इनटू 1 मल्टीप्लिकेशन विद द 1, सॉरी कौन सी वेक्टर स्पेस की ऐसी कौन सी, ये देखें, मल्टीप्लिकेशन विद 1, नहीं, दोबारा मेरी बात समझने की कोशिश करें। देखें, अगर मैं इसका एक सबसेट ले रहा हूं ना, तो वो एसोसिएशन तो करेगा ही करेगा, कम्यूटेटिव भी करेगा ही करेगा, ठीक है। मैं कहता हूँ नल वेक्टर में चलो इसके अंदर आ जाता है, हर सेट के अंदर नल वेक्टर का होना लाजमी है, हर सबसेट के अंदर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जितने भी सब स्पेसिस बनेंगी उसके अंदर नल वेक्टर का होना लाजमी, ठीक है, वो सारी कंडीशन होल्ड करेंगी। मुझे ये बताएं कि ये सेट छोटा या बड़ा कब होगा, या मैक्सिमम कितना बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं, एक या दो ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो इस सेट की स्ट्रेंथ बताती हैं। स्ट्रेंथ का यह मतलब है कि हम इसको कितना बड़ा कर सकते हैं, इस सेट 10 प्रॉपर्टीज में से दो प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो सेट की, जो इस सबसेट की स्ट्रेंथ बताती है, तो वो कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज, बताने की कोशिश कर रहे हैं, मैं सुन रहा हूं। हाँ जी बच्चों,
अल्फा सर अल्फा प्लस बीटा इनटू यू वाली इससे पहले मैंने एक थ्योरम बताया था थ्योरम नंबर वन अगर आपको याद हो लास्ट लेक्चर में मैंने शायद बताया था आपको ठीक है। एक तो ये थी पहली प्रॉपर्टी एडिशन वाली क्या थी वो कि दो वेक्टर का सम भी उसी वेक्टर में आना चाहिए क्लियर प्रॉपर्टीज थी दोनों की दोनों वो क्लियर प्रॉपर्टीज थी ठीक है। यू प्लस यू और वी अगर वी को बिलोंग कर रहे हैं तो उनका सम भी वी में बिलोंग और दूसरी कौन सी थी मल्टीप्लिकेशन की फर्स्ट वाली कि अल्फा अगर रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है और यू अगर कैपिटल वी को बिलोंग कर रहा है तो अल्फा टाइम ऑफ यू भी किसको बिलोंग करना चाहिए वी को बिलोंग करना चाहिए ठीक है। तो ये दो प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो क्या बताती हैं किसी सेट की स्ट्रेंथ को बताती हैं कि इसके अंदर कितने ज्यादा वेक्टर्स आ सकते हैं या मैक्सिमम इसकी कितनी कैपेसिटी हो सकती है ठीक है। जब हम ये कह देते हैं कि यू और वी अगर कोई से भी दो वेक्टर चूज करें उसका सम दोबारा वी में आने चाहिए और फॉर ऑल यू वी बिलोंग्स टू वी के लिए कंडीशन है तो इसका मतलब है कि इसके अंदर वो तमाम एलिमेंट आएंगे जो ये कंडीशन होल्ड कर रहे हैं ठीक है। तो ये बहुत बड़ा सेट बन जाएगा। फिर मैं ये कहता हूं कि अल्फा कोई भी रियल नंबर लो उसको यू के साथ मल्टीप्लाई करो तो वो आपके पास एक अनकाउंटेबल सेट बन जाता है इतना बड़ा बन जाता है जिसको आप काउंट ही नहीं कर सकते तो वो कंडीशन भी तो अगर हम बाकी कंडीशन तो ऑटोमेटिकली होल्ड करके आएंगे ये वी सेट ऑलरेडी वो कंडीशन होल्ड करके आया एसोसिएटिव की कम्यूटेटिव की ठीक है और नल वेक्टर की ये सारी की सारी होल्ड तो बाकी आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं होती आपको सिर्फ कौन सी चेक करने की जरूरत है ये दो कंडीशन ठीक है। तो थ्योरम वन मैंने आपको बताया था कि W itself सबस्पेस बन जाती है इफ नंबर वन क्या हो W1 और W2 अगर W को बिलोंग कर रहे हैं तो W1 प्लस W2 भी किसको बिलोंग करने चाहिए W को और दूसरी क्या थी इसमें अगर अल्फा रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है और W1 जो है ये कैपिटल W को बिलोंग कर रहा है तो अल्फा टाइम ऑफ W1 भी W को बिलोंग करना चाहिए फॉर ऑल W1 W2 बिलोंग्स W के लिए इसके लिए भी फॉर ऑल W1 बिलोंग W तो ये दो कंडीशन अगर आप फुलफिल करवा लेते हो तो आपको सब स्पेस प्रूफ कराने के लिए ये दो कंडीशन भी फुलफिल ठीक है बाकियों को आपको करने की जरूरत नहीं क्योंकि बाकी कंडीशन ऑलरेडी वी के लिए सेटिस्फाई करवा के आए हो और चूज भी आप वेक्टर स्पेस के एलिमेंट कर ठीक है। और इसको मजीद सम अप करें तो इसके थ्रू एक और थ्योरम बनता था इनका लीनियर कॉम्बिनेशन ठीक है। वो क्या था लीनियर कॉम्बिनेशन थ्योरम जो टू था उसमें हमने क्या कहा था कि अनॉन एम्प्टी सबसेट W ऑफ अ वेक्टर स्पेस V इज अ सबस्पेस इफ V सबस्पेस ऑफ V इफ एंड ओनली इफ अगर आपके पास अल्फा और बीटा दो रियल नंबर हो और W1 और W2 दो वेक्टर्स हो W में से और अगर इनका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया जाए तो ये भी किस में आना चाहिए W में फॉर ऑल W1 W2 बिलोंग्स टू W ठीक है नहीं। तो ये कंडीशन अगर देखो इसमें जो पिछली जो कंडीशन थी उसमें एडिशन भी आ रही थी और स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी आ रही थी इन दोनों को अगर मैं कंबाइन देखो स्केलर मल्टीप्लिकेशन आनी चाहिए और एडिशन क्या इसमें एडिशन आ गई या नहीं है एडिशन भी आ गई है क्या इसमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी आ रही है नहीं आ रही तो दोनों कंडीशन मर्ज हो गई ठीक है। तो प्रूफ करने के लिए ये आप यूज करते हैं प्रूफ के लिए और डिसप्रूफ करने के लिए थ्योरम टू यूज करते हैं और डिसप्रूफ करने के लिए थ्योरम वन ठीक है आगे चलते हैं इसको
मैंने एक एग्जांपल कोई करवाई थी आपको लास्ट टाइम या नहीं? चलें एक एग्जांपल करवाता हूं मैं आपको। अच्छा एग्जांपल से पहले मैं पहले सबसेट का बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल v अगर कोई r स्क्वायर में सेट है, इसके एलिमेंट क्या होंगे? x y साइज दैट x और y किसको? रियल नंबर को बिलोंग करें, ठीक है? ये टू डायमेंशन में। थ्री डायमेंशन में क्या होंगे? r क्यूब में क्या होंगे? x y z, ठीक है? x y z किसको बिलोंग कर सकते हैं, ठीक है? तो अगर मैं इसका कोई सबसेट चूज करूंगा w या v1, ये स्पेस है, ये v2 है, ठीक है? तो w अगर मैं इसका कोई सबसेट चूज करूंगा तो v की w की क्या कंडीशंस क्या होनी चाहिए? w इस नेचर का हो सकता है कि हो सकता है इसके इसका पहला एलिमेंट जीरो और दूसरा नॉन जीरो, और y जो है वो रियल नंबर को बिलोंग कर रहा हो। w ये भी हो सकता है कि दोनों हो सकता है, ए पहला नॉन जीरो और दूसरा क्या हो सकता है? जीरो हो सकता है, और एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर हो सकता है, ये भी इसका सबसेट है। डब्ल्यू ये भी हो सकता है आपके पास के एक्स प्लस वाई, या एक्स और वाई दो एलिमेंट आ रहे हैं और उन दोनों का सम क्या आ रहा है? वो जीरो आ रहा है, इस नेचर का भी हो सकता है, ठीक है? तो होगा वो ऑर्डर पेयर में, ये ऑर्डर पेयर में ही, ये आर टू में ही होगा, ये वाला भी आर टू में ही होगा, आर टू में ही, इसका आर टू में होना लाजमी है क्योंकि ये इसका सबसेट है, बाकी कंडीशंस कोई भी हो सकती है, ठीक है? आपने वो सेट चूज किए हैं, आपने वो उसका सबसेट चूज किया है जिसका पहला एलिमेंट जीरो और दूसरा नॉन जीरो, ठीक है? जैसे ये लिखा हुआ है एक वेक्टर स्पेस का, ये वी है और ये डब्ल्यू आपने उसका चूज किया है, वो एलिमेंट चूज किए जिसका पहला, या ये भी आप चूज कर सकते हैं जिसका दूसरा एलिमेंट जीरो, या आप ये भी चूज कर सकते हैं जिनका सम जीरो है। इसके अलावा भी मतलब बहुत सी कंडीशंस बन सकती हैं आपके पास, ठीक है? आगे इसको लेके चलते हैं, देखें मतलब अगर आप इसका सबसेट चूज कर लो, अगर ये टू डायमेंशन में से है, ये v अगर टू डायमेंशन में से, w भी टू डायमेंशन में से होगा, ठीक है? चलिए दो एग्जांपल्स करते हैं। एग्जांपल ये लिखी हुई है आपके पास कि लेट v इज इक्वल टू टू डायमेंशन, R2 का क्या मतलब है, या R3 चल लिख देता हूँ, थ्री डायमेंशन है। शो क्या करना है? शो दैट W इज सबस्पेस ऑफ V, वेयर W जो इसका सबसेट है उसने बता दिया किस नेचर का सबसेट है। हमेशा आपने जब पहले भी आपने प्रॉब्लम्स किए थे तो W, V को अगर वेक्टर स्पेस प्रूव करना था तो V एक सेट गिवन होता था। W को अगर आप सबस्पेस प्रूव करना चाहते हैं तो W एक सेट गिवन होना चाहिए। तो W क्या सेट गिवन था? गिवन है बल्कि A, B, 0, इस नेचर का है। साई दैट A और B किसको बिलोंग कर रहे हैं? रियल नंबर। ये इसमें पहला प्रॉब्लम है। और दूसरा प्रॉब्लम है W क्या किस नेचर का इसका सबसेट है? A, B, C तो आ रहे हैं लेकिन इन तीनों का सम किस चीज के इक्वल है? जीरो के इक्वल, ठीक है? तो इसका सलूशन निकालते हैं, ठीक है? अप्रूव करते हैं। सर ये क्वेश्चन में लिखा होता है कि आपने प्रूफ करना है या डिस प्रूफ करना है, ये में कैसे पता लगेगा? नहीं इसमें तो ये शो करना है ना कि W क्या है? इसका सबस्पेस है, हमने ये चीज प्रूफ करानी है कि ये सबस्पेस है, ठीक है? तो पहले वाला हम करते हैं, W किस नेचर का गिवन है? A, B, 0, इसके एलिमेंट किस नेचर के आ रहे हैं? इस नेचर के इसके एलिमेंट आ रहे हैं। तो मैंने जो थ्योरम थ्री बताया था प्रूफ करने के लिए, मैंने क्या कहा था थ्योरम थ्री में कि अल्फा और बीटा दो रियल नंबर हो, और W1 और W2 क्या थे?
those vectors say w k, so alpha time of w1, alpha time of w2, जो आउटपुट आ रही है वो भी w belong करनी चाहिए for all w1 w2 belongs to w. क्या यही नहीं था वो थ्योरम? यही था ना वो थ्योरम? यही था ना थ्योरम? अब देखें इसके ऊपर भी यही थ्योरम इंप्लीमेंट करें, दो इसके एलिमेंट चूज करें, हाँ ये बीटा है सर. अब यही काम करें, इस W सेट में से कोई से भी दो एलिमेंट चूज करें. मैं कर लेता हूँ, एक W1 चूज करता हूँ. W1 की जो वैल्यू है वो क्या है आपके पास? W1 की जो वैल्यू है वो है, मैं ले लेता हूँ A1 B1 जीरो, और W2 की जो वैल्यू है वो है A2 B2 जीरो. क्या ये दोनों एलिमेंट, क्या ये दोनों एलिमेंट, क्या ये W को बिलोंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे? उसी नेचर की है ना. अब मैं दो कांस्टेंट भी चूज कर लेता हूँ, अल्फा और बीटा, कोई से भी दो रियल नंबर्स. ठीक है, अब देखें उस थ्योरम को यूज करते हैं. अल्फा टाइम ऑफ W1, बीटा टाइम ऑफ W2, जो आउटपुट में जो नंबर आना चाहिए, आउटपुट में जो नंबर आना चाहिए वो भी क्या होना चाहिए? पहला नंबर, दूसरा नंबर और तीसरा ऑटोमेटिकली जीरो होना चाहिए. वो भी थ्री डायमेंशन में होना चाहिए और उसका थर्ड कंपोनेंट जीरो होना चाहिए. अगर ये चीज आ जाती है इसका मतलब है कि हमारे पास जो थ्योरम की जो क्लियर प्रॉपर्टी है वो होल्ड कर रही है. तो इसका मतलब है कि वो सब स्पेस बनाएगी. देखें जरा, अल्फा टाइम ऑफ W1, इस थ्योरम को यूज कर रहा हूँ. अल्फा टाइम ऑफ W1, W1 की क्या वैल्यू है? A1 B1 जीरो. बीटा टाइम ऑफ W2, A2 B2 जीरो. इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं. जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे क्या चीज बनेगी देखें, ये बन जाएगा अल्फा ए वन, अल्फा ए वन प्लस बीटा ए टू, अल्फा बी वन प्लस बीटा बी टू, तीसरा क्या बनेगा? जीरो बन. ठीक है, तीसरा क्या बन जाएगा आपके पास? जीरो बन जाएगा आपके पास. अच्छा आगे चलते हैं, तो ये चीज तो आपके पास बन गई. अब देखें इसकी नेचर देखें, ये भी एक रियल नंबर बन रहा है, ये भी एक रियल नंबर बन रहा है, और थर्ड कंपोनेंट्स का जीरो बन रहा है, नहीं बन रहा. क्या ये W सेट को ही नहीं बिलोंग कर रहा? हेंस W इज सबस्पेस ऑफ V. बात खत्म हो गई. ठीक है, तो यही चीज हमने होल्ड करवानी थी इसकी. आसान है, इतना मुश्किल नहीं है. अब जो दूसरा क्वेश्चन लिखा है कि W के तीन कंपोनेंट आ रहे हैं और तीनों का सम जीरो होगा, तो जब आप दो एलिमेंट चूज करोगे तो दो एलिमेंट A1 B1 C1, A2 B2 C2, सच दैट तीनों का सम क्या होना चाहिए? जीरो. ए वन प्लस बी वन प्लस सी वन जीरो होना चाहिए, ए टू प्लस बी टू प्लस सी टू जीरो होना चाहिए. फिर इसका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाओ इस प्रूफ के तहत, तो वो भी आपके पास तीन कंपोनेंट आने चाहिए और तीनों कंपोनेंट का सम क्या आना चाहिए? जीरो ही आना चाहिए. अगर वो चीज फुलफिल हो जाती है तो इसका मतलब है कि W सबस्पेस बन जाएगी. उसको भी करके देख लेते हैं. तो W क्या सेट है आपके पास? A B C, say that A plus B plus C. ये दूसरा क्वेश्चन. तो हम अगेन वही थ्योरम यूज करते हैं जो मैंने पहले बताया था आपको. आपने दो रियल नंबर लेने हैं, दो उसी डोमेन में से वेक्टर लेने हैं, उनका लीनियर कॉम्बिनेशन लें तो उसी डोमेन में आने चाहिए. इफ ये लें देन ये आने चाहिए. तो लेट कर लेते हैं W1, A1 B1 C1, such that A1 plus B1 plus C1
जीरो आर, डब्ल्यू टू भी हम चूज कर लेते हैं, ए टू लेट कर लेते हैं, डब्ल्यू वन और डब्ल्यू टू किस को बिलोंग कर रहे हैं, ये कैपिटल डब्ल्यू को बिलोंग कर रहे हैं, आगे वो हमने डिफाइन कर दें, ए टू बी टू सी टू, साइज दैट ए टू प्लस बी टू प्लस सी टू क्या जीरो आर, ठीक होगी बात, और लेट कर लेते हैं कि अल्फा और बीटा भी किसको बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं, अब इनका लीनियर कॉम्बिनेशन, अल्फा इनटू डब्ल्यू वन बीटा इनटू डब्ल्यू टू, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, अल्फा इनटू डब्ल्यू वन ए वन बी वन सी वन, बीटा इनटू डब्ल्यू टू ए टू बी टू एंड सी टू, तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा ए वन प्लस बीटा ए टू आ जाएगा, अल्फा ए बी वन प्लस बीटा बी टू, अल्फा सी वन बीटा सी टू, सच दैट के बाद क्या होना चाहिए था, सच दैट इसको हमने ये प्रूफ करना है कि इन तीनों का सम जीरो भी आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये तो क्लियर होगी कि ये थ्री डायमेंशन में बन रहा है, ठीक है, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है कि ये थ्री डायमेंशन, अब हमने क्या करना है कि इनका सम करना है, अल्फा इंटू ए वन प्लस बीटा इंटू ए टू, अल्फा इंटू बी वन बीटा इंटू बी टू, अल्फा इंटू सी वन बीटा इंटू सी टू, तो इन तीनों में से अल्फा कॉमन आ रहा है, ए वन प्लस बी वन प्लस सी वन, दूसरे में से क्या चीज कॉमन आ रही है, ए टू प्लस बी टू प्लस सी टू और बीटा कॉमन आ रहा है, अब हमारे पास ये चीज गिवन थी, क्या गिवन था क्वेश्चन में देख लें कि इन तीनों का सम किस चीज के इक्वल है, जीरो के इक्वल है, इफ ये लिया हुआ ना कंसिडर किया हुआ है, ये तीनों का सम क्या है, जीरो है, तो ये गिवन है आपके पास जीरो, और ये चीज भी गिवन है क्या है, जीरो, तो अल्फा टाइम ऑफ ये जीरो हो जाएगा, बीटा टाइम ऑफ ये जीरो, तो इस पूरे का सम भी क्या आ गया, जीरो आ गया, ठीक है, तो इसका जो लीनियर कॉम्बिनेशन बन रहा है, जो लीनियर कॉम्बिनेशन बन रहा है उसके भी तीन कंपोनेंट आ रहे हैं और उन तीनों का सम क्या बन रहा है, जीरो भी बन रहा है, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि अल्फा टाइम ऑफ डब्ल्यू वन बीटा टाइम ऑफ डब्ल्यू टू बिलोंग्स टू डब्ल्यू एज वेल, ठीक है, सो डब्ल्यू इज सबस्पेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस V, ठीक होगी बात या नहीं, ये चीज आप याद रखिएगा, आसान सी चीज है, मुश्किल नहीं, हाँ, आगे एक और एग्जांपल करते हैं जिसमें ऐसे भी हैं जहां पे W जो है वो वेक्टर स्पेस नहीं बना रहे, बच्चों इसमें कोई चीज पूछनी है तो आप पूछ सकते हो, इसमें कोई डर खौफ वाली बात नहीं है, हाँ जी बच्चों कोई चीज पूछनी है इसमें, कुछ भी नहीं पूछना,